praise and greatness is reserved for the Creator, the Cherisher, the Sustainer of this whole universe and whatever is existing in and out of this universe. Praise and greatness is for the One who is omnipotent, who is omnipresent, who is omni-knowledge. Praise and greatness is for the One who is watching us, who is hearing us, who is replying to us, who knows what is going on within in our hearts, in our minds. He is well aware of our intentions and whatever is going on in mind and heart. And praise and greatness is for the God, the Allah, before whom we all shall have to stand on the day of judgment. Peace be upon all the prophets and messengers of God, starting from Prophet Adam, Prophet Noah, Prophet Abraham, Prophet David, Prophet Solomon, Prophet Moses, Prophet Jesus, and many others, and the last prophet, the Prophet Muhammad, peace be upon him. आप इजाज़त देंगे तो मैं अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में बीच बीच में बात करूँगा तो शायद कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहले मैं आयोजकों को, ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि YWCA की तरफ से एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सामयिक रेलेवेंट इशू पर हमने एक इंटरफेथ डायलॉग, एक विभिन्न आस्थाओं के बीच एक संवाद का ये जो अवसर आपने हमको प्रदान किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं मालिक से दुआ करता हूँ, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वो हमारी इस कोशिश को न सिर्फ कबूल फरमाए बल्कि इस कोशिश में और ज़्यादा इजाफा फरमाएं, ताकि हम बार बार मिलें, बार बार बैठें और बार बार एक दूसरे के विचारों को जानें, सुनें। और जैसा कि स्वामी जी ने कहा, हम मिलजुल कर कुछ कार्यक्रम भी बनाएं और समाज में कुछ बदलाव लाने की हम कोशिश करें। मंच पर बैठे हुए मेरे आदरणीय वक्तागण, मेरे मेहमान स्वामी जी और फादर विक्टर एडविन, बहन डॉक्टर अमृत कौर साहिबा, YWCA के पदाधिकारी और यहाँ बैठे हुए मेरे तमाम भाई और बहन और नौजवान साथियों, डिग्निटी ऑफ वूमन आज का विषय है। औरत का, महिला का सम्मान, उसकी गरिमा, समाज में, घर में, सामाजिक कार्यों में उसका क्या स्थान है और विभिन्न धर्म इसके बारे में क्या मार्गदर्शन हमारा करते हैं, ये जानने का अवसर हमें ये मंच दे रहा है। मैं इस्लाम की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना उचित समझता हूँ कि औरत इंसान की माँ है। The woman is the mother of the whole mankind, the humanity. अगर सिर्फ ये एक सेंटेंस भी हम ठीक से अपने दिल में बसा लें और इसी को हम आगे बढ़ाएं तो मैं समझता हूँ कि डिग्निटी ऑफ वुमन पर इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। The woman is the mother of humanity, the whole mankind and the whole human society. इंसान की शुरुआत एक जोड़े से हुई,
सबसे पहले इंसान आदम, जिनको हम प्रॉफिट भी मानते हैं, सब मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, हमारे यहूदी भाई भी मानते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं, आदम और ईव, कुरान में उनको हवा कहा गया है, ईव को बीबी हवा कहा गया है। आदम और ईव से पूरी इंसानियत, सारी ह्यूमन सोसाइटी वो आदम और ईव से आगे बढ़ी है। तो हम सिर्फ एक माँ बाप की संतान है। ये बात मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि हमारे बीच दूरियाँ और जो हमारे बीच अजनबीपन है वो दूर होना चाहिए। हम अलग अलग नहीं हैं, हम तो एक माँ बाप की संतान है। एक माँ बाप की संतान बहनों भाई होते हैं, चाहे वो गोरे हों, काले हों, दुनिया में कहीं रहते हों, कोई भाषा बोलते हों, एक माँ बाप की संतान है। हमारे रगों में, हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में जो खून बह रहा है वो एक माँ बाप का खून है। तो उस लिहाज से हमारा जो रिश्ता है, चाहे हमारी आस्था कुछ भी हो और हमारे तहजीब और हमारे कल्चर में कुछ फर्क आ गया हो, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो रिश्ता इतना मजबूत है कि उसे कोई चाहे तो भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ईश्वर ने इंसानों के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर प्रॉफिट्स भेजे, नबी और पैगंबर भेजे, जिनके जिनमें से कुछ का मैंने आपको जिक्र किया। हदीस में यानी हजरत मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा उसको हदीस कहा जाता है, और कुरान वो है जो ईश्वर की तरफ से अवतरण हुआ हजरत मोहम्मद साहब पर। जिस तरह बाइबल हजरत ईसा पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर अवतरित हुई, मूसा पर तौरा अवतरित हुई, दाऊद यानी डेविड पर, प्रॉफिट डेविड पर जबूर अवतरित हुई, उनके नाम कुरान में जो नाम आए वो मैंने आपको बताए हैं। तो ये मार्गदर्शन रेवलेशन के जरिए आया और प्रॉफिट्स ने उस रेवलेशन और मार्गदर्शन को लोगों तक पहुँचाया। सबसे हम ये मानते हैं, हमारी आस्था है कि जैसे जैसे ईश्वर का मार्गदर्शन, उसमें बदलाव होता चला गया या उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो प्रभावित होती चली गई और वो मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं रही, तो ईश्वर ने एक के बाद एक नबी पैगंबर भेजे और उसी में फिर बाइबल, और बाइबल के बाद, बाइबल को कुरान में इंजील कहा गया है और सबसे आखिर में कुरान जो अरबी भाषा में नाजिल हुई। ये सारा मार्गदर्शन एक ही चीज़ है, मैसेज इज द सेम। इन सारे मार्गदर्शनों में सेम मैसेज दिया गया, एक ही संदेश है। भाषा बदल सकती है, समय के अनुसार कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, और एक के बाद एक मैसेज और संदेश देने की आवश्यकता और ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वो संदेश जो ओरिजिनल संदेश था वो लोगों तक पहुँचे, और जब उस पहुँचने में कुछ बाधा आई तो उस संदेश को रिन्यू किया गया और हालात के मुताबिक उसको एडिट किया गया। लेकिन संदेश भेजने वाला भी वही है जो शुरू से था, जिसने सारी दुनिया को, सृष्टि को बनाया, और संदेश भी वही है। मैं उसी संदेश की रोशनी में ये बातें मैंने इसलिए अर्ज की है ताकि हमको ये लगे कि जो कुछ हम बातें कर रहे हैं वो सब हमारी सबकी बातें हैं, वो किसी एक मजहब या धर्म की बात नहीं है, बल्कि उस एक ईश्वर की, और उस एक ईश्वर ने इंसानों को बनाया और उसके मार्गदर्शन के लिए जो गाइडेंस दिया वो सारी बात है। उसके अंतिम अवतरण कुरान की रोशनी में हम आज के विषय को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुरान में बता दूं मैं आपको, 114 चैप्टर्स हैं, 114 चैप्टर्स आते हैं कुरान। उन चैप्टर्स के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। नामों का मतलब ये नहीं है कि उस चैप्टर में उसी विषय पर बात की गई हो। आप जिन्होंने कुरान पढ़ा होगा तो कुरान में चैप्टर के नाम का मतलब ये नहीं होता कि उसमें उस विषय पर बात की गई हो, लेकिन वो नाम उस शब्द को और उस विषय को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए वो नाम दिया गया। कुरान में एक चैप्टर है सूरह निसा, निसा के मायने औरत के होते हैं। एक पूरा चैप्टर औरत के नाम डेडिकेट किया गया है, सूरह निसा एक चैप्टर है। कुरान में एक चैप्टर हजरत मरियम, मैरी जिसको आप मैरी कहते हैं, हम मरियम कहते हैं, जीसस की माँ हम उसको कहते हैं, और मरियम के नाम से एक पूरा चैप्टर कुरान में बताया गया। कुरान में आमतौर पर लोगों के नाम बहुत कम बताए गए हैं, लोगों के नामों के साथ शिक्षाएं नहीं दी गई है, मार्गदर्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि कुरान में मरियम का जिक्र बार बार आया है, यानी और लोगों के भी नाम बहुत
ईश्वर ने जो अपने संदेश देते वक्त ये बात ख्याल रखा है कि नामों को, यानी हजरत मोहम्मद साहब का नाम भी कुरान में बहुत ज्यादा बार नहीं आया है, लेकिन आप देखें कि मरियम का जिक्र बार बार आया है, मैरी का जिक्र बार बार आया, एक और महिला का जिक्र कुरान में आता है और उसमें नाम नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा गया कि हजरत मूसा के जमाने में, मौसिस के जमाने में, जो एक बहुत आततायी बादशाह था, फिरौन, फैरो जिसको बोलते हैं, वो फिरौन बहुत ही आतंक बहुत ही आततायी था, बहुत अन्याय करता था और बहुत जो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल जिनको हम कहते बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करता था और उनको गुलाम बना रखा था। फिरौन की बीवी, शी वाज अ बिलीवर, शी वाज अ स्टांच बिलीवर इन गॉड, उसका जिक्र कुरान में आया है और उसका बहुत रेस्पेक्ट के साथ जिन महिलाओं का जिक्र किया गया है उनमें मरियम के बाद दूसरा जिक्र फिरौन की बीवी का कहा किया गया है। और फिरौन की बीवी ने एक प्रार्थना ईश्वर से की थी, वो ये थी जो ईश्वर की मानने वाली थी और ईश्वर की बंदगी इबादत करने वाली थी, उसने कहा था मुझे फिरौन से और फिरौन के जो कारनामे हैं, फिरौन के जो अन्याय हैं, उससे मुझे मत जोड़, उससे मुझे आज़ादी दे, मेरा उससे कोई संबंध नहीं, फिरौन जो कुछ कर रहा है, फिरौन जो अन्याय कर रहा है, मैं उसकी बीवी ज़रूर हूँ लेकिन उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे उससे आज़ाद। मैंने ये जिक्र इसलिए किया कि ईश्वर ने कुरान में महिलाओं का तस्करा अपने अवतरण में इस तरह से किया। एक और बात मैं आपको इशारे के तौर पर कहना चाहता हूँ, कुरान में जगह जगह ये कहा गया कि तुम ईश्वर की बंदगी करो, एक ईश्वर के आगे झुको, उसी की बंदगी करो, उसी की पूजा करो, उसी के आगे इबादत करो। सूरह लुकमान में और भी दो तीन और सूरते हैं उसमें ये बात स्पष्ट की गई, पहले कहा गया ईश्वर के आगे झुको, उसकी बंदगी करो, और फौरन कहा, उसके फौरन बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस कहा गया, एक से ज्यादा बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, अपने माँ बाप का हक अदा करो, अपने माँ बाप का हक अदा करो, उनका जो अधिकार है तुम पर, उनके आदर का, उनकी सेवा का जो अधिकार है वो अदा करो, माँ बाप का, यानी ईश्वर की इबादत के बाद कोई और बात नहीं कही गई, ईश्वर के आगे झुको और माँ बाप का हक अदा करो, यानी इससे पता लगता है कि ईश्वर की निगाह में अपनी इबादत के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी किसी इंसान की है तो वो माँ बाप का ख्याल। अब माँ बाप के बारे में भी हजरत मोहम्मद साहब ने जब पूछा गया कि एक साहब ने पूछा उनसे, मुझ पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है, किसकी सेवा मैं सबसे ज़्यादा करूँ, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारी माँ का अधिकार तुम पर सबसे ज़्यादा है। फिर उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि फिर उसके बाद में किसका अधिकार सबसे ज़्यादा है, दोबारा पूछा, कहा फिर तुम्हारी माँ का अधिकार सबसे ज़्यादा है। वो शख्स भी रुका नहीं, कहा फिर तीसरी बार पूछा, कहा अब उसके बाद किसका अधिकार सबसे ज्यादा है, फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ का तुम पर अधिकार सबसे ज्यादा है कि तुम उनकी सबसे ज्यादा सेवा करो। वो व्यक्ति फिर भी नहीं रुका, फिर चौथी बार उसने पूछा फिर किसका अधिकार सबसे ज्यादा है, चौथी बार जब पूछा तो कहा तुम्हारे बाप का तुम पर ज्यादा अधिकार है, यानी माँ और बाप के दर्जे में तीन स्टेजेस का फर्क बताया है, बाप का अधिकार, बाप का मकाम, माँ का मकाम बाप के मुकाबले में तीन गुना ज्यादा है। एक बार एक साहब आए और उन्होंने पूछा प्रॉफिट मोहम्मद से कि अगर ऐसा हो जाए कभी कि मुझे किसी काम के लिए, सेवा के लिए माँ और बाप दोनों एक साथ आवाज दे दें, माँ ने भी आवाज दी और बाप ने भी आवाज दी किसी काम के लिए, तो प्रॉफिट से पूछा बताओ मैं क्या करूँ, दोनों में से कहाँ जाऊँ पहले, किसकी आवाज़ की तरफ पहले जाकर, किसकी तरफ पहले पलटूँ, कहा कि तुम्हारी माँ का अधिकार तुम पर सबसे ज़्यादा है, दोनों की आवाज़ अगर एक साथ आए तो तुम माँ की तरफ जाओ पहले, माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहो, माँ की आवाज़ को सुनो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बहुत मशहूर कोटेशन है हजरत मोहम्मद साहब का, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ की सेवा, माँ का अधिकार, माँ का आदर, माँ का सम्मान, उनके नीचे जन्नत है। अगर तुम स्वर्ग चाहते हो, जन्नत चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो तो माँ की सेवा वो रास्ता है, वो दरवाजा है,
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और फिर कहा बाप उसका दरवाजा है, बाप का भी अधिकार है लेकिन माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ये कहा कि तुम में सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जो अपनी महिलाओं के लिए, औरतों के लिए सबसे अच्छा हो, उनका उसका आदर सम्मान सलूक, यानी किसी व्यक्ति के बारे में सिर्फ ये तय करना हो कि कौन अच्छा व्यक्ति है, तो महिलाओं के साथ उसका कैसा व्यवहार है, अपनी पत्नी के साथ और अपनी बहन और माँ और दूसरी उनके साथ कैसा व्यवहार है, जो तुम में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला है मेरी निगाह में वही सबसे अच्छा व्यक्ति है। आप ऐसे बहुत से लोग जानते हैं उस जमाने में जब प्रॉफिट मोहम्मद पर कुरान अवतरित हुआ और मोहम्मद साहब अरब में जब पैदा हुए तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, महिलाओं को एक कॉमोडिटी समझा जाता, खरीदने बेचने की चीज समझा जाता था और लूटपाट का सामान समझा जाता था, जंगों में महिलाओं को गुलाम बनाना और उनके साथ, और बच्चियों का पैदा होना एक बहुत ही शर्म की बात समझी जाती थी, किसी के घर बच्चे पैदा होने वाला होता तो एक गढ़ा खोल कर रखा जाता, वो इसलिए रखा जाता कि अगर बेटा हो गया तो ठीक है और अगर बेटी हुई तो उसको गढ़े में जिंदा दफन कर दिया जाए। ऐसे माहौल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस व्यक्ति के घर में तीन बेटियां पैदा हो जाए, जिस व्यक्ति के घर में तीन बेटियां पैदा हों वो अपने बेटों और बेटियों के बीच कोई भेदभाव ना करे, ईमानदारी से उनकी परवरिश करे, शिक्षा दीक्षा करे और उनके जो अधिकार हैं वो उनको दे, तो वो व्यक्ति मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा। दो उंगलियों को इस तरह मिलाकर बताया इस तरह जन्नत में होगा, यानी जितनी नज़दीक ये दोनों उंगलियां हैं वो मेरे साथ जन्नत में इतना नज़दीक होगा, इतना उसका सम्मान होगा कि जिसने बच्चियों की परवरिश की। वहाँ कोई व्यक्ति बैठे होंगे, उन्होंने सोचा कि मेरे तो तीन बेटियाँ नहीं हैं, उनके साथ दो बेटियाँ होंगी, तो उन्होंने पूछा अगर किसी के दो बेटियाँ हों तो क्या वो भी उसके साथ भी ये मामला होगा, उनका कहा कि हाँ जिसके दो बेटियाँ हैं वो भी ऐसे होगा। तो उस हदीस को लिखने वाले साहबी कहते हैं कि अगर कोई ये पूछता उस वक्त कि अगर किसी की एक बेटी हो तो भी यही जवाब मिलता, तो एक बेटी वाले भी मायूस ना हो कि जिनकी एक बेटी है और वो उसकी परवरिश करें। तो फरमाया गया कि बेटे और बेटी के बीच में भेदभाव ना करें, ईमानदारी से उनकी परवरिश करें और उनको उनके जो अधिकार हैं वो अधिकार उनको दे। वक्त का मैं एक दो बातें और आपके सामने पेश करता हूँ, और वो ये कि औरत को इस्लाम ने एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी माना है, उसको एक अलग पहचान दी है, ऐसा नहीं है कि वो एक बेटी की तरह पहचानी जाए या पत्नी की तरह पहचानी जाए, बल्कि वो उसकी इंडिपेंडेंट पहचान है। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जब शादी होती है, निकाह होता है, तो उससे पूछा जाता है, सबसे पहले औरत से पूछा जाता है, और शादी के वक्त निकाह के वक्त कंडीशन जो है वो औरत कंडीशन रखती है कि किस कंडीशन पर उसकी शादी होगी, उस मर्द से वो अपना मेहर खुद तय करती है, वो डिक्टेट करती है कि यस दिस इज माय कंडीशन, अगर वो होने वाले शोहर को अगर वो कंडीशन पसंद है और मंजूर है तो वो शादी आगे होती है। तो ये औरत को अधिकार दिया गया है, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसको ऑन करने का अधिकार इस्लाम ने औरत को दिया, कि जो कुछ उस जमाने में जब औरत का ये हाल हो, उस जमाने में इस्लाम ने कुरान में ये बात कही गई और ईश्वर ने ये हिदायत दी कि तुम्हारे मरने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है, माँ बाप बहन भाई उनकी प्रॉपर्टी में औरत का भी हक है, उनकी प्रॉपर्टी में औरत का हक बाकायदा तय कर दिया, बता दिया गया। और ये भी कहा कि औरत पर कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, देयर इज नो फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन वुमन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स, सारी लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी शोहर की है, पति की है। ये अलग बात है कि शोहर बीवी दोनों मिलजुल कर घर चलाना चाहते हैं, औरत कुछ कमाना चाहती है, कंट्रीब्यूट करना चाहती है, तो दोनों का आपसी अंडरस्टैंडिंग का मामला है, लेकिन औरत को इस्लाम में ये अधिकार दिया गया है कि उसका पति उसे मजबूर नहीं कर सकता कि वो ज़रूर काम करे, वो ज़रूर कमाने जाए, इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर दोनों मिलकर ये तय करें कि औरत कमाएगी, तो जॉब करेगी, तो औरत जो कुछ कमाएगी उस पर पूरा अधिकार औरत का है, ये इस्लाम की तालीम है, यानी मर्द का उसकी कमाई पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ,
ये भी अपने शौहर को कुछ देना चाहे वो अलग बात है, वो अपनी दौलत को अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जैसे चाहे वो खर्च कर सकते हैं। आपको शायद बहुतों को मालूम होगा कि हजरत खदीजा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, सबसे पहला निकाह जब उनसे हुआ तो मोहम्मद साहब की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और 3 बार वो विधवा हो चुकी थी। 3 बार उनका पहले निकाह हो चुका था और 3 बार विधवा हो चुकी थी, 4थी मरतबा आपकी हजरत मोहम्मद साहब से शादी हुई। और उस जमाने में जब औरत की जो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, उस जमाने में खदीजा उस जमाने की बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी, 18 देशों में उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो ये जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि औरत जो है इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए, इस्लाम की शिक्षाओं पर अमल करते हुए न पढ़ सकती है, न बाहर जा सकती है, न कुछ काम कर सकती है, नहीं, ये गाइडलाइंस दिए गए हैं, उनका ध्यान रखते हुए आप तमाम चीज़ें आप हम कर सकते हैं। ये एक बात आखिरी और कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, वो ये कि औरत को, औरत की जो उर्दू में कहते हैं निस्वानियत, अंग्रेजी में उसको कहेंगे द वूमनहुड ऑफ वूमन। इन माय ओपिनियन द वूमन शुड बी रिस्पेक्टेड एज वूमन। आज हमारे समाज ने वूमन, उस वूमन को ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं जो मर्दों की तरह ज्यादा कमाए, मर्दों की तरह ज्यादा रहने की कोशिश करे या मर्दों जैसी नजर आए। तो हमारा मानना यह है कि इट इज़ नॉट रेस्पेक्ट फॉर वुमनहुड, इट इज़ रेस्पेक्ट फॉर मैनहुड। तो हम ये कहते हैं कि औरत को सिर्फ औरत की तरह रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि औरत को जो नेचर ने बनाया है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ बनाया है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसको दी है। तो दैट वुमनहुड शुड बी प्रोटेक्टेड एंड वुमनहुड शुड बी रेस्पेक्टेड। आज हमारे समाज में बच्चों की परवरिश को, घर चलाने को, घर संभालने को बहुत हल्का और बहुत घटिया काम समझा जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं समझी जाती। एक औरत एक कंपनी में सीईओ है तो उसकी एक बड़ी अहमियत समझी जाती है। मैं कहता हूँ कि अगर आप हिसाब लगाएं और अगर औरत अपनी उस जिम्मेदारी का पैसा वसूल करना शुरू कर दे अगर शौहर से, तो मैं नहीं समझता कि वो जो सीईओ जो कमाती है उसे कई गुना औरत डिमांड कर सकती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की परवरिश, बच्चों का। तो हमें समाज में ये बात भी कहने की जरूरत है कि सिर्फ वो औरत रेस्पेक्टेड नहीं है जो ऑफिस में काम करती है, वो औरत भी रेस्पेक्टेड है बल्कि ज़्यादा रेस्पेक्टेड है जो एक माँ की हैसियत में, एक बहन की हैसियत में, पत्नी की हैसियत में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। इस्लाम ये भी बताता है कि औरत पर, पत्नी पर ये आवश्यक नहीं है कि वो अपने पति के लिए खाना अवश्य बनाए, ये मैं इस्लामी शिक्षा में बता रहा हूँ। वो पति के लिए खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, पति और बच्चों के कपड़े धोना, घर साफ करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये अलग बात है कि वो आपस की प्रेम मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो ये सब काम करती है बल्कि पति के रिश्तेदारों की सेवा तक भी करती है। तो लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी एंड ऑब्लिगेटरी अपॉन वुमन, वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। और इस्लाम में पति और पत्नी का जो संबंध है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल संबंध है और दोनों को एक डिग्निफाइड तरीके से कुरान में कहा गया है कि मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के साथी और मददगार हैं, साथी और मददगार हैं, कोई किसी से बड़ा और छोटा इस तरह से नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, दोनों मिलने के बाद कंप्लीट होते हैं, दोनों मिलजुल कर जब अपनी ड्यूटीज और जिम्मेदारी पूरी करते हैं तब समाज में वो कुछ करने के लायक बनते हैं। अकेला मर्द भी कुछ नहीं कर सकता और अकेली औरत भी जो है वो कुछ नहीं कर सकती। और आखिरी सेंटेंस जो आज के हालात के मुताबिक, कभी कभी हम इक्वलिटी और फ्रीडम और लिबर्टी की बात करते करते औरत पर बहुत ज़्यादा अन्याय और ज्यादतियाँ करने लगते हैं। इक्वलिटी और लिबर्टी के नाम पर, इक्वलिटी लिबर्टी आर वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मगर उसकी आड़ में हम औरत के नाम पर और औरत के ज़रिए से हम दौलत कमाना शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा और हमारे दूसरे भाइयों ने भी कहा, तो मैं ये सिर्फ ये बात कहकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि इक्वलिटी एंड सिमिलरिटी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, डोंट ट्राई टू मिंगल इक्वलिटी एंड सिमिलरिटी। इक्वलिटी और जस्टिस के लिए दोनों चीज़ों का एक जैसे नज़र आना ज़रूरी नहीं है।
अगर ऐसा होता तो ईश्वर मर्द और औरत को अलग अलग नहीं बनाता, उसकी उसकी जो साथ है जिस्मानी उसको भी अलग अलग नहीं बनाता। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आयोजकों को धन्यवाद देते हुए और इस उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, ये संवाद जारी रहेगा और जमात इस्लामी हिंद इस तरह के संवाद करती रहती है और आप भी करेंगे तो उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।